ठीक है। अभी क्या काम करते हो? अभी बैठे हैं फारूक, बैठे हैं यार। फारूक क्यों? बस धंधा है नहीं, क्या करे, काम कार नहीं है अभी। नहीं तो फिर आप घर कैसे चलाते हो? घर का राशन वगैरह वो कैसे लेके आते हो? अल्लाह मालिक उधर से उधर करते। गाइस तो अभी यहाँ पे भाई जी बैठे हैं, भाई से बातचीत करेंगे। तो भाई अभी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, तो अभी उनसे हाल वाल पूछेंगे दोस्तों। तो ये देखें लगे हुए हैं यहाँ एकड़ के पीछे। क्या मिला? 4-5-6 मन मिली है बस। एकड़ के पीछे आपको कितने गेहूँ मिली? 5 मन। 5 मन मिली, खा गए सारी कनकी। क्यों? अच्छा फिर वो आपको मतलब जो आपसे मतलब ठग कर गए ऐसे? हाँ खा गए। आपसे मतलब धोखा कर गए। उन्होंने आपसे ये बोला कि आप काटो, हम आपको पूरा रेट देंगे ऐसे? पूरा 20 मन का बताया था। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, कैसे सब बड़े होंगे दोस्तों। एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं दोस्तों। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो ये दोस्तों कल भी वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी लेट इस वजह से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, ठीक है। तो आज जैसे टाइम मिला है तो मैंने कहा एक ब्लॉग हो जाए दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो मुझे दे रहे हैं वे गाँव के अंदर, उस गाँव के अंदर हम जाके पूछेंगे उनसे हाल वाल पूछेंगे दोस्तों। तो उनको मतलब कैसे रहते हैं, किस हालात में रहते हैं दोस्तों, तो उस भाई से भी बातचीत करेंगे दोस्तों। तो वो क्या हुआ है कि अभी पहले मैं गया था मरता, तो वो अभी आए हैं गेहूं की कटाई वटाई करके आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उनसे हम पूछेंगे जो आपको जो क्या हिसाब मिला है। जैसे कि अभी हम पहुंच गए हैं तो यहाँ पे चाचा जी बैठे, चाचा जी से पूछेंगे। जय श्री राम चाचा जी। जय श्री राम, कैसे हो आप? ठीक है। अभी क्या काम करते हो? अभी बैठे हैं फारूक, बैठे हैं यार। फारूक क्यों? बस धंधा है नहीं, क्या करे, काम कार नहीं है अभी। नहीं तो फिर आप घर कैसे चलाते हो? घर का राशन वगैरह वो कैसे लेके आते हो? अल्लाह मालिक उधर से उधर करते हैं भाई। तो आप उधर से उधर पे दे देते हैं सब? कोई देता है कोई नहीं देता है। अच्छा तो फिर अभी जैसे आप मजदूरी करने जाते हो, मजदूरी कितनी मिल जाती है आपको? मजदूरी कितने? 300-400 रुपये मिलते हैं। 300-400 में आपका गुजारा होता है? नहीं बस भाई क्या करें, मांगत का दौर है। अच्छा महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत है। अच्छा तो इस वजह से आज आपकी मतलब मजदूरी नहीं लगी तो आप घर पे ही बैठे हो आज? तो फिर आज शाम का राशन हो रही है, खाना वीना कैसे बनाओगे आप? अल्लाह मालिक हो जाएगा किधर से किधर से। अच्छा जैसे गांव में से मतलब गांव वाले आपको कोई देते हैं? नहीं देते हैं। गांव वाले क्या देंगे भाई, क्यों वो खुद ही भी बेचारे पूरी नहीं कर पाते ऐसे? पूरी नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पे ये इनके हालात है। ये छोटा सा इनका घर बना हुआ, एक उताक बनी हुई है, इसी के अंदर यहाँ पे रहते हैं चाचा जी। ये देखें यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ओके गाइस तो अभी यहाँ पे भाई जी बैठे हैं, भाई से बातचीत करेंगे। तो भाई अभी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, तो अभी उनसे हाल वाल पूछेंगे दोस्तों। तो ये देखें लगे हुए हैं यहाँ पे। तो राम राम भाई, क्या कर रहे हो? कनकी साफ कर रहा हूँ। हाँ कनकी साफ कर रहा हूँ। क्यों कनकी साफ कर रहे हो आप? करनी पड़ती है ना, चक्की पे देनी है आटा। तो अच्छा आपने ये कटाई की थी, क्या हिसाब मिला था आपको? क्या मिला एकड़ के पीछे? एकड़ के पीछे क्या मिला? 4-5-6 मन मिली है बस। एकड़ के पीछे आपको कितने गेहूँ मिली? 5 मन। 5 मन मिली, खा गए सारी कनकी। क्यों? अच्छा फिर वो आपको मतलब जो आपसे मतलब ठग कर गए ऐसे? हाँ खा गए। आपसे मतलब धोखा कर गए। उन्होंने आपसे ये बोला कि आप काटो, हम आपको पूरा रेट देंगे ऐसे? पूरा 20 मन का बताया था, दिए 5 कटे, 5-6 कटे दिए बस। अच्छा 20 मन का आपको बताया और दिए 5 मन या 6 मन बस? हाँ खा गए सारी कनकी। सारी खा गए सारी? आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ये मिला है? आपने टोटल कितनी कटाई की थी गेहूँ की? 70 एकड़। 70 एकड़? 70 एकड़ में से आपको मतलब सिर्फ 5 कटे मिले? 5 कटे। अच्छा एक कटा कितने का है ये वाला जो है? एक मन का होगा ये। 1 मन का है तो ये आपको मिला है मतलब 5 मन। तो गाइस ये देखें बेचारे बोल रहे हैं हम 70 एकड़ जो कटाई की थी, कितने में उसमें लेबर थी, मजदूर थे 40। 40 मजदूर थे? अब 40 मजदूर के हिसाब से तो 70 मन, तो एक जैसे आपको एक आइडिया होगा, आपने जो एकड़ एक एकड़ होता है जैसे, वो आपको क्या हिसाब मतलब लगा के? 3 मन। 3.5 मन। सो गाइज ये देख रहे हैं अभी 3.5 मन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो तो कितनी मन हो जाती है। तो दोस्तों इतना तो मैं ज़्यादा नहीं, आप खुद ही भी लगा लो। 1 एकड़ के जो होता है 3.5 मन। अब इन्होंने टोटल कटाई की है जो है 70 एकड़ कटाई की है। अब इनको जो मिली है पता कितनी मिली है? 5 मन मिली है दोस्तों। अब ये देखें ये है यहाँ पे हालत, ऐसे हालत में जा रहते हैं यहाँ पे। तो अभी ये आप सिर्फ ये गेहूँ अभी साफ कर रहे हो, उसको फिर आटा पिसवाओगे? अच्छा तो गाइस ये देखें यहाँ। अच्छा आटे की कितनी पिसाई है यहाँ पे? यहाँ पे 350 रुपये आटे की। और कटाई कटौती कितनी करते हैं मन के पीछे? एक किलो। एक मन के पीछे 1 किलो?
तो दोस्तों यहाँ पे है जो एक मन है वो 350 रुपये मन जो है इसकी मतलब जो पिसाई होती है, जो आटा जो पीसते हैं वो, और एक मन के पीछे दोस्तों 1 किलो कटाई करते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ये बेचारे भाई अभी इसी हालत में, अभी चाचा जी की कॉल आ गई थी, अब उनसे बातचीत करेंगे ज़्यादा, लेकिन अभी चलते हैं उनके तरफ भी चलते हैं वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो अभी ये भाई लगे हुए, ठीक है भाई, भले काम करो अपना, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये हालत है उनसे, ये देखेंगे इस, और ये बेचारे की छोटी सी झुंपड़ी बनी हुई है और इसी के अंदर रहते हैं। अभी ये पता है ये सारे चले गए थे, अभी मैंने आपको बताया भी था, सब गेहूं की कटाई पे चले गए थे। गेहूं की कटाई के आने के बाद अभी देखें बेचारे उनके साथ कितना फ्रॉड हो गया बड़ा, कि इनको जो मतलब जो मिलनी थी वो नहीं मिली, वो बीच में मतलब खा गए, जैसे कि कोई भी XYZ आप समझ लो बंदे, वो बीच में खा गए, इनको बेचारे गरीब बंदों को कुछ भी नहीं मिला बीच में दोस्तों, ठीक है। अभी ये हालत है यहाँ पर दोस्तों, ये देखें। तो गाइस ये देखें अभी चाय बना रहे हैं यहाँ पर अभी, और ये अभी देखें चाय लगी हुई है यहाँ पे बनाने के लिए। तो ये देखें दोस्तों कैसे डिज़ाइन बनाते हैं यहाँ पे, ये देखें गाइस। आई थिंक ये मेरे ख्याल में जो दीवार बनेंगे ना, तो ये छोटा सा गैस निकालने के लिए बनाएंगे, इसमें से हवा जो निकल जाए, जैसे ये धुआं वगैरह इसमें निकल जाए, ये मिट्टी से जो बनाएंगे इस वजह से। ये देखें दोस्तों ये है गैस वाला, मेरे ख्याल में ये गैस का जो होगा वो बनाया है इन्होंने। तो ये तो गाइस ये है इनका घर बने हुए हैं। तो चाचा से अभी बात हमें अधूरी रह गए थे, चाचा से और पूछेंगे। चाचा और बताओ कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहें भाई? अच्छा नहीं कुछ हाल वाल जो कुछ आप कहना चाहते हो तो बता दो। देख रहे हैं ये हाल लगा पड़ा है भाई मुल्क में। अच्छा आपको मतलब जो यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है ऐसे आता है, और जो एक जो मजदूरी वगैरह भी वो भी सारी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कोई भी मजदूरी करने भी नहीं देते ऐसे, नहीं नहीं मजदूरी भी खत्म हो गई है। हाँ। अच्छा तो अभी अब आपने क्या सोचा है? हमने सोचा मैं दूसरा मुल्क चला जाऊँगा। अच्छा आउट ऑफ कंट्री? हाँ। दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए यहाँ से? हाँ, इधर से इधर शिफ्ट हो जाए अच्छा है। अच्छा यहाँ से दूसरी मतलब दूसरे कंट्री में चले जाओगे? दूसरी। अच्छा अच्छा भाई, तो ये देखें चाचा जी बोल रहे हैं अभी यहाँ पे जो अभी मजदूरी भी नहीं है, एक तो महंगाई भी बहुत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी कैसे रह सकते हैं। तो आटा के आटे तो अभी मेरे ख्याल फिर भी सस्ता हो गया, क्योंकि गेहूँ की वजह से भी निकली है, तो 115 रुपये किलो या मेरे ख्याल ऐसे ना 115 रुपये किलो चल रहा है गेहूँ, मतलब अभी जो निकली हुई इस वजह से सस्ताई हो गई है गेहूँ आटे की, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा सकाई रेट था। तो अभी जो मजदूरी करने के लिए दोस्तों मजदूरी का यहाँ पे बहुत हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि अभी बंदे जो बेचारे मजदूरी भी अभी चलो भाई एक घर के अंदर जैसे तो देखें दोस्तों घर के अंदर जैसे भाई एक आटा तो पड़ा है, लेकिन अभी दूसरी चीज़ें भी तो चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये देखें ये है घर हमारा यहाँ पे बेचारे उनके गरीब हमारे जो हिंदू भाई के हैं, हाल वाले उनसे पूछा भी और उनसे मुलाकात भी की दोस्तों। तो ये देखें ये है छोटी सी इनके घर वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, तो किस हाल में यहाँ पे ये रहते हैं ये देखें दोस्तों। झोंपड़ी बेचारों की बनी हुई है झोंपड़ियाँ, ये देखें छोटी छोटी झोंपड़ी बनी हुई है और इसी के अंदर ये रहते हैं यहाँ पे, ये देखें गाइस।